ब्लू एंड गोल्डन साड़ी। तो सबसे पहले तो साड़ी ली और वेयर कर ले मैचिंग ब्लाउज, शेप योर पेटीकोट एंड सैंडल एंड ज्वेलरी। अगर आप पहले वेयर करना चाहते हैं तो पहले भी वेयर कर सकते हैं, मेकअप तो फॉर श्योर पहले कर लें। तो मैंने वेयर किया है ये सिक्विन गोल्डन ब्लाउज, क्योंकि साड़ी का जो बॉर्डर है और जो बीच में बुटियाँ हैं वो बिल्कुल इससे मैच कर रहा है, सेम गोल्डन टच है, सेम गोल्डन कलर है, तो काफ़ी मैच कर रहा है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये कॉम्बिनेशन किया हुआ है या मिक्स एंड मैच किया हुआ है मैंने। तो एज़ ऑलवेज हम स्टार्ट कर रहे हैं राइट साइड से टक करते हुए एक राउंड लेंगे। ये साड़ी सैटिन की है, मुझे काफ़ी पसंद आई, दो ये साड़ी मेरी नई है। और स्टार्ट करेंगे पल्लू को एडजस्ट करना। और अपने शोल्डर पे डाल लेंगे। और अब स्टार्ट करेंगे वेस्ट की प्लीट्स बनाना। सबसे पहले हम इस तरह से पिन अप करेंगे जिससे साड़ी सही शेप दे और इधर उधर खिसके ना, स्पेशली उनके लिए जो साड़ी वेयर करने में डरते हैं, उन्हें लगता है कि खुल जाएगा या कुछ। तो प्लीज़ आप तीन पिन्स तो लगा ही लें, अदरवाइज़ मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। तो मैं इवन कई बार विदाउट पिन भी साड़ी वेयर कर लेती हूँ। अब हम प्लीट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। सैटिन साड़ी वेयर करना वैसे तो ईजी है, बट प्लीट्स बनाते टाइम थोड़ा फिसल जाता है, तो ध्यान रखें अच्छे से होल्ड करें प्लीट्स को। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी तरीके से प्लीट्स बनाना आपको बताऊं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मैं आपको डिफरेंट तरीके से प्लीट्स बनाने के लिए बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे और भी, मेरा जो बेस्ट तरीका जो मुझे अच्छा लगता है वो ये तरीका है, लेकिन और भी कई तरीके हैं, इससे भी इवन ईजी तरीके हैं प्लीट्स बनाने के। अब प्लीट्स बनाने के बाद लगा लें सेफ्टी पिन और टक कर लें बिल्कुल बीचों बीच। साइड के पार्ट्स को पीछे के साइड थोड़ा टक कर लें और बस अपने पल्लू के लिए पल्लू को एडजस्ट करके शोल्डर पे डालें, बैक साइड पे पिन लगा लें और बस मैं हो गई तैयार। और मैचिंग ज्वेलरी, सैंडल, क्लच ज़रूर वेयर करें, कॉज उससे ब्यूटी एनहांस होती है। अब मैं दिखाऊंगी एक और पल्लू ट्रे। बाय चांस मेरे व्यूवर्स में कोई ऐसे हैं जो ओपन पल्लू रखने से डरते हैं, तो ये ड्रेप उनके लिए है, क्योंकि ओपन पल्लू थोड़ा सा संभालने में, चलने में अगर ओपन पल्लू में आपको डर लगता है या आप कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो ये ड्रेप तो परफेक्ट रहेगा आपके लिए। बस पल्लू के प्लीट्स बना लें और जिस तरह से सीधा पल्लू रखते हैं उस तरह से लें। ध्यान रहे पल्लू जो है वो थोड़ी लंबी हो और बस बैक साइड से पल्लू कॉर्नर को निकाल के वेस्ट में पिन लगा लें। काफ़ी स्टाइलिश एंड इजी वे है, प्लस इसमें बिल्कुल केयरफ्री होके आप रह सकते हैं। तो ये था आज का ड्रेप। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं दोनों ड्रेप्स में से आप कौन सा वेयर करना पसंद करेंगे, आपका फेवरेट कौन सा है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो एंड यस इंस्टेंट फॉलो पे जाके अभी के अभी फॉलो करो मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।